कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये वही लाइनें हैं जिनके बारे में ना सोचते हुए साल 2015 की यूपीएससी टॉपर पर टीना ढाबी और उसी साल के सेकंड टॉपर रहे अथर आमिर खान के इश्क ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। इस जोड़े को जो भी देखता वो यही कहता कि दोनों को नज़र ना लगे। खुशियाँ मानो चारों तरफ से बरस रही थी। दो धर्मों के बीच खड़ी दीवार को तोड़ते हुए दोनों ही प्यार के पक्षियों ने घरवालों की रजामंदी से साल 2018 में शादी कर ली। दोनों की शादी से न केवल सोशल मीडिया पर चर्चाएं बटोरी बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द को भी मिसाल पेश की। हालांकि कुछ लोगों ने इनके प्यार को लव जिहाद का नाम दिया, पर इस खूबसूरत जोड़े ने यह सब भूलते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना सही समझा। शादी के दूसरे साल से ही दोनों के रिश्तों को बुरी नज़र लग गई और सोशल मीडिया पर इनकी अनबन की खबरें चलने लगी। खबरें यह भी चली थी कि दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो तक कर दिया था। दोनों को राजस्थान कैडर अलॉट हुआ था, लेकिन तलाक के आवेदन के बाद अथर आमिर खान राजस्थान कैडर छोड़कर जम्मू कश्मीर चले गए थे, क्योंकि जम्मू में ही उनका घर है। आइए जानते हैं अथर आमिर खान कौन है। इनका पूरा नाम अथर आमिल उल सफी खान है। अथर का जन्म 5 सितंबर 1992 को हुआ था। वह एक सुन्नी मुस्लिम परिवार में जन्मे। अथर आमिर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के देवीपुरा मतन गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने 12वीं की परीक्षा श्रीनगर के स्कूल से पास की और इसके बाद IIT के एडमिशन में कामयाबी हासिल की। IIT के बाद सिविल सर्विस में जाने का मन बनाया और इसके लिए आमिर ने साल 2009 में UPSC में टॉप करने वाले शाह फैसल से मिलकर सलाह ली। अथर आमिर खान ने UPSC में दूसरे साल में सेकंड रैंक हासिल की। सफल होने के बाद उन्होंने बताया कि वह हर रोज़ 2 घंटे अखबार पढ़ते थे, डेली लाइफ से अपडेट रहते थे। इन अपडेट्स के वो नोट्स भी बनाते थे। IAS परीक्षा में सफल होने वाले अथर आमिर खान परिवार के पहले शख्स थे। अथर के पिता अनंतनाग के एक कॉलेज में लेक्चरर हैं। अथर अपने दादाजी को प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जो कि एक किसान रहे हैं। फिलहाल टीना ढाबी राजस्थान सरकार के वित्त कर के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करती हैं। वहीं अथर आमिर खान श्रीनगर नगर निगम के आयुक्त के पद पर श्रीनगर में तैनात हैं।